फर्रुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर जिले के सभी गुरुद्वारे रोशनी से नहाए। फतेहगढ़ स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पूरे दिन गुरु को याद किया गया। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने शबद कीर्तन में भाग लेकर अपने आप को निहाल किया और गुरु के चरणों में अपनी अपनी अरदास लगाई। शबद कीर्तन में कानपुर से आए ज्ञानी अमरीक सिंह व सिखलाई से आए ज्ञानी रघुवीर सिंह, ज्ञानी गुरुबचन सिंह फर्रुखाबाद वाले, ज्ञानी बलवंत सिंह आदि के द्वारा विशेष शबद कीर्तन किया गया। इसके अलावा शहर के लोहाई रोड स्थित गुरुद्वारा में शबद कीर्तन के बाद देर रात तक गुरु का अटूट लंगर चला। महिलाओं व पुरुषों ने आतिशबाजी छुड़ाकर प्रकाश पर्व को अपने अपने अंदाज में मनाया। इसके अलावा कैंट एरिया में स्थित गुरुद्वारा में भी सिखों ने प्रकाश पर्व को बड़े ही उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया। गुरु की महिमा के बारे में बताया गया। इस दौरान प्रधान सरदार सूर्य प्रताप शाही, प्रधान सरदार रणवीर सिंह बख्शी, सरदार जगदीप सिंह, सरदार हनी सिंह, हरजोत सिंह, फतेहगढ़ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रविश द्विवेदी, मुन्ना लाल बाछड़े, चमन टंडन, रविंद्र बैश व गंगा सेवा समिति के पदाधिकारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से फतेहगढ़ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। देर रात तक यहां पर श्री गुरु नानक देव जी का शबद कीर्तन चला, जिसके बाद सभी भक्तों ने लंगर छका। तो समय की समाप्ति है। आज फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की सारी संगत मिलके यहाँ पे गुरु नानक साहब का 553वां प्रकाश पर्व मना रही है, जिसमें गुरु नानक साहब का संदेश कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, इसके ऊपर सारी संगत को बताया जा रहा है कि गुरु नानक साहब ने दुनिया में आकर किस तरीके से अपना पूरा संदेश पूरे दुनिया को कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको का संदेश दिया। और सारी दुनिया को जो दुनिया के अंधविश्वास हैं इनको दूर करने के लिए अपना ज्ञान दिया। कौन कौन लोग शामिल हुए, कहां कहां से स्पेशल आए? आज यहां पर हमारे बीच में फर्रुखाबाद संगत, फतेहगढ़ संगत, बैनपुरी की संगत और बहुत दूर दूर से जो लोग प्रकाश पर्व गुरु नानक साहब को मानते हैं, नाम लेवा संत, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, सब फतेहगढ़ गुरुद्वारा साहब में आई हुई है और गुरु घर की खुशियों को लेने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सब लोग शामिल हैं। एक प्रभात फेरी निकलती है गुरुद्वारे की तरफ से, वो कब निकलनी है? इस बार गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगातार प्रभात फेरियाँ चल रही हैं, जो कि अभी हमारी 12 तारीख को, 12 नवंबर को नगर कीर्तन शोभा यात्रा गुरु नानक साहब की निकाली जाएगी, 12 तारीख तक लगातार चलती रहेंगी और इसमें हमारे समाज के सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपने ऊपर हॉल में देखा है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सभी गुरु नानक साहब का उपदेशों को मानते हुए उनका आनंद मान रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।